सो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग मस्त हो गए। यार दोस्तों, इलेक्शन जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, यानी कि इलेक्शन में काफी सारे अप एंड डाउन मूवमेंट हमें देखने को मिले और उसका सीधा असर जो है वो बाजार पे भी गिरा। जी हाँ दोस्तों, बात करें बाजार की तो इनकम टैक्स के नियमों के बदलाव की रिपोर्ट जो है उसके कारण क्रैश हो गया है शेयर बाजार। अब वित्तीय मंत्री ने किया है इस पर रिफ्लेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आयकर नियमों के बदलाव से जुड़ी खबरों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सिर से खारिज कर दिया है। उन्होंने इस अफवाह को करार देते हुए कहा है कि ये पूरी तरह अटकलों पर आधारित है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद आयकर विभाग कुछ नियमों में बदलाव की योजना बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की नई सरकार बनते ही ये बदलाव लागू हो जाएंगे। इस रिपोर्ट के बाद भारतीय शेयर बाजार बुरी तरह से क्रैश हो गया और शुक्रवार 3 मई को ट्रेडिंग के दौरान 30 शेयरों वाले BSE बेंचमार्क का सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा टूट गया। लेकिन दोस्तों, डरने की बात नहीं है, मार्केट फिर से रिकवर हो रहा है। ये बात है 2 से 3 दिन पहले हुई थी, लेकिन उसकी असर अभी भी देखने को मिल रही है। लेकिन एक बढ़िया न्यूज ये है कि ऐसे में आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है। या दोस्तों, 8 तारीख को 3 IPO ओपन हो रहे हैं, 9 तारीख को भी IPO ओपन हो रहा है और 10 तारीख को भी 3 IPO ओपन हो रहे हैं। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रही है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक बढ़िया IPO के बारे में, जिसका नाम है एनर्जी मिशन मशीनरी इंडिया लिमिटेड। यहाँ दोस्तों, बात करूँ मैं इस कंपनी की तो 2011 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी जो है वो डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एज अ वाइड रेंज ऑफ मेटल फॉर्मिंग मशीन्स फॉर इंडस्ट्रियल मेटल फैब्रिकेशन। इट्स प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्रेस बैग्स, चेयरिंग, प्लेट्स रोलिंग, आयरन बॉक्स, हाइड्रोलिक प्रेशर्स एंड फॉसेट ब्लेंडिंग, कटिंग एंड पंचिंग मशीन। या दोस्तों, द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड इन सालन, अहमदाबाद। अहमदाबाद के सालन एरिया के अंदर ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना हुआ है। बात करें इसके IPO की डिटेल्स की तो 9 तारीख को ये IPO ओपन होगा और 13 तारीख तक आप इस IPO में इन्वेस्ट कर पाओगे। IPO का साइज जो है वो 41.15 करोड़ रुपए तय किया गया है और इसके अंदर ये पूरा जो है वो फ्रेश इश्यू होने वाला है। दोस्तों, इसकी फेस वैल्यू की बात करूँ तो वो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। इसका प्राइस बैंड 131 से लेके 138 रुपए है। इसका रिटेल कोटा जो है वो 35%, YPS के लिए 50% और NII के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। दोस्तों, SME सेगमेंट का ये IPO होने वाला है। इसमें लॉट साइज 71 शेयरों की तय की गई है। एज एन इन्वेस्टर आपको इसमें 1,38,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब दोस्तों, नजर डालते हैं क्या डिमांड चल रही है इसके ग्रे मार्केट में। तो फिलहाल ग्रे मार्केट में ये बढ़िया सा परफॉर्म कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ग्रे मार्केट में 55 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है और परसेंटेज वाइज अगर हम गिने तो 40% का गेन आपको इस IPO से मिल सकता है। या दोस्तों, लेकिन आप सब जानते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम अप एंड डाउन होता रहता है एज पर द मार्केट ट्रेंड। तो दोस्तों, ये डे बाई डे अगर आपको चेक करना है तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाके आप इस कंपनी की लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम डे बाई डे चेक कर सकते हो। बात करें इसके अलॉटमेंट और लिस्टिंग की तो इसका अलॉटमेंट 14 मई को मिल सकता है, भाई 16 मई को IPO मार्केट में लिस्ट भी हो सकता है। आप आपका अलॉटमेंट जो है वो बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पे चेक कर सकते हो, क्योंकि वो इस कंपनी का रजिस्ट्रार है। बात करते हैं इसके IPO की वैल्यूएशन पर, तो इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 9.47 पर इक्विटी शेयर है। इसका PE रेशियो जो है वो 13.58 है। इसकी रिटर्न और नेटवर्थ जो है वो 33.57% है और इसका नेट एसेट वैल्यू यानी कि जो NAV है वो 28.20 पर इक्विटी शेयर है। अब नजर डालते हैं इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट पर, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 0.95 करोड़ रुपए था, वही फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़ के 3.36 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। फाइनेंशियल ईयर 2023 पे अगर नजर डालें तो इसका प्रॉफिट 7.90 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और अगस्त 2023 तक का रिपोर्ट देखें तो इसका प्रॉफिट 4.66 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यानी फाइनेंशियली कंपनी ने बहुत ही बढ़िया ग्रोथ जो है वो ही दिखाया है और कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी बड़ी छलांग भी लगा रही है। कंपनी के प्रमोटर्स की मैं बात करूँ तो सतीश कुमार कांजी भाई परमार, दिनेश कुमार, शंकर लाल चौधरी, संजय शांतु कुमार खंकर, अशोक कुमार रामजी भाई पंचाल एंड स्नेहल नरेंद्र मेहता जो है वो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं।
इसके लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकर पर नजर डालें तो एम सिक्योरिटी लिमिटेड को इसके लीड मैनेजर के तौर पर तय किया गया है। दोस्तों अलग ही सेक्टर यानी कि यूनिक बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। फाइनेंशियली काफ़ी बढ़िया इसने परफॉर्म किया है। 8 तारीख को 3 IPO ओपन हुए, 10 तारीख को भी 3 मौके है, 9 तारीख को भी IPO ओपन हो रहा है, यानी अपॉर्चुनिटी इतनी बन रही है कि आप खुद कन्फ्यूज हो गए कि किस IPO में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों कोई भी IPO में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जरिया लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर हमारी रिव्यू की आप बात करो तो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास बढ़िया पैसे हैं और आप वेट कर सकते हो तो बेफिक्र होके आप IPO में इन्वेस्ट करना। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म में कोई भी IPO हो, कोई भी कंपनी हो या कोई भी स्टॉक हो, आपको बढ़िया परफॉर्मिंग कर सकते। लेकिन कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ी बहुत आप खुद से भी रिसर्च जरूर करना। बाकी अपडेट तो आपको IPO वॉच से मिलती रहेगी। या दोस्तों ऐसी IPO की अपडेट जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।